हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी विद एग्जांपल। तो सबसे पहले तो आपकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट को लगी होगी क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज है। तो इससे आपकी कितनी आइडेंटिटी बनेगी? दो आइडेंटिटी बनेगी। तो साइन स्क्वायर थीटा ये आपकी वैल्यू क्या, प्लस उधर जाएंगे माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये प्लस का sin स्क्वायर, उधर जाकर माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आपकी सेकंड जो आइडेंटिटी है वो है आपकी sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको लर्न करनी है, इसी से रिलेटेड करके थर्ड आइडेंटिटी आपकी। इसी से कितनी बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी? दो आइडेंटिटी बन जाएगी। sec स्क्वायर थीटा ये माइनस का उधर जाएगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस और ये प्लस का बनेगा जाकर माइनस। आपकी थर्ड जो आइडेंटिटी है वहां पर sec की जगह लेगा cosec और tan की जगह लेगा cot। तो sec की जगह आपको क्या लेगा? cosec स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां पर आपकी कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, और इन आइडेंटिटी का यूज कहां होगा? आपका क्वेश्चंस में होगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और ये बोर्ड में भी काफी बार आए हैं आपके, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसा आइडेंटिटी का यूज होता है। आपका फर्स्ट एग्जांपल है कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल्स टू 2 सेट। ये लेफ्ट साइड आपकी, ये राइट साइड। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि लेफ्ट साइड को लेकर चले और क्या आ गया आपकी राइट साइड आ गई, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें लेफ्ट साइड से एक वैल्यू आएगी और राइट साइड से एक वैल्यू आएगी, वो दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो आपकी क्या है? लेफ्ट साइड cos a 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। नॉर्मली जैसे वेरिएबल्स में हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, छोटी क्लास में फ्रैक्शन में जैसे एलसीएम लेते थे नॉर्मली, और अब सीनियर क्लासेस में वो वेरिएबल्स में आ गए x और y में। तो बिल्कुल x और y की तरह आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो अपॉन में आ जाएगा cos a 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा? कोस ए, और कोस ए की क्या हो जाएगी? ऊपर मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। कोस ए अब डिनोमिनेटर है, इसको क्या करना है? डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए, बिल्कुल सेम है, तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कोस ए, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, b का स्क्वायर 2ab, तो 2 साइन a, a क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? वही का वही रहेगा। आपका फॉर्म में क्या है? cos a 1 प्लस साइन a। अब आपको दिखाई दे रहा है cos a, और यहां क्या दे रहा है? यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको? साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, इन दोनों को हम खा लेते हैं, पास पास में लिख देंगे जिससे आपको क्लियरली क्या दिखाई दे जाए, आइडेंटिटी दिखाई दे। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 2 साइन ए, कोस ए 1 प्लस साइन, इनकी वैल्यू क्या होती है आपको? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, 1 प्लस 1 2 साइन ए अपॉन
cos a 1 plus sin a. तो 1 plus 1 2, 2 sin a upon cos a bracket 1 plus sin a. ओके आपको दिखाई दे रहा है तो ऊपर क्या है कॉमन 2 क्या आ गया आपका कॉमन आ गया 2 1 plus sin a cos a 1 plus sin a सेम चीज में मल्टीप्लाई में ये क्या हो गया कट हो गए अब आपका क्या आ गया 2 upon cos a तो आपको पता है 1 upon cos a रेसिप्रोकल क्या हो जाता है सेट हो जाता है तो इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है इन क्वेश्चनों का जो प्रूफ कर रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है जो मिला रहा है तो इसमें 2 है अपॉन में क्या cos a तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है सेट a तो आप हमने क्या स्टार्ट करा था लेफ्ट साइड को स्टार्ट करा था और एंड में क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके राइट हैंड साइड अब हम करते हैं सेकंड एग्जांपल आपका सेकंड एग्जांपल ये बोर्ड में आपके काफी बार आया है साइन ए प्लस कोस ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेट ए होल स्क्वायर ये हमने क्या ली थी लेफ्ट हैंड साइड ओके तो नॉर्मली ये आपका क्या होगा ए ये बी होल स्क्वायर ओपन करना है जैसे हम एट क्लास में ओपन करते थे होल स्क्वायर ये ए और ये क्या है बी इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या हो जाती है यहां पर क्या आ जाते हैं साइन कोस ये आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल जब बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको एक्स वाई की तरह नॉर्मली कैलकुलेट हो तो आपका साइन स्क्वायर ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू अब आपको दिखाई दे रहा है साइन और कोस एक साथ आ गए ये एक दूसरे के क्या होते हैं ऐसे प्रोपल उल्टे होते हैं बिल्कुल यहां पर क्या आ गया आपका कोस स्क्वायर सेट स्क्वायर ए प्लस टू कोस ए सेट ए और ये भी दिखाई दे रहा है इनटू में है और कोस ए एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन ओके टू सेट का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल वन अपॉन कोस ए तो बचा क्या आपका कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इनको हमने लास्ट में लिख दिया ओके इसकी वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी में वन हमने अभी पढ़ी थी वन साइन से साइन कट हो गया क्या बचा टू कोस से कोस कट हो गया यहां पर क्या आ गया आपका टू आ गया ओके कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए हमने यहां पर लिख दिया सेक स्क्वायर ओके तो इनका प्लस कितना होगा 5 और हमें प्रूफ क्या करना 7 बट टेन और कोट आ गए फिर हमने देखा कोसेक और सेक तो इनकी आइडेंटिटी होती थी कोसेक में तो कोट आ जाएगा आइडेंटिटी और सेक वाली में क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा 5 प्लस इसकी जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और इसके 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओके अब सम करोगे कितना होगा 7 कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए तो आपने क्या लेकर चले लेफ्ट साइड लेकर चले और आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड ओके इसमें हमने आइडेंटिटी का दो बार यूज करा एक बार हमने यहां यूज करा और एक बार हमने यहां पर यूज करा और किसकी हेल्प ले ली हमने राइट हैंड साइड को हम देखते रहे वहां पर देखने से हमें थोड़ा स्टेप इसमें स्टेप मेन होते हैं अगर स्टेप हर एक स्टेप पर आप बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बिल्कुल सही आ जाएगा अब थर्ड एग्जांपल करते हैं आपका थर्ड एग्जांपल है आपका कोट ए माइनस कोस ए कोट ए प्लस कोस ए यहां पर ए मिस हो गया वो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं इक्वल टू कोस ए माइनस वन कोस ए प्लस
वन. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड कोट ए माइनस कोस ए और कोट ए प्लस कोस ए. हमें बताया गया था कोट को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, कोस अपॉन साइन, और नीचे क्या आएगा, कोस अपॉन साइन. फिर हम कोस को क्या ले लेंगे, कॉमन, और जहां पर आएगा वन अपॉन साइन तो ए तो क्या आ जाएगा आपका कोस ए का. कोट को क्या लिखेंगे हम, कोस ए अपॉन साइन कोस ए. डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो क्या वन, वन लिखने से क्या कॉमन इजिली ले लोगे आप, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए. कॉमन ऊपर क्या आ जाएगा कोस ए, तो आपने यहां क्या बचा वन अपॉन साइन माइनस वन. नीचे क्या बचा, यहां पर भी क्या आ रहा है कॉमन, कोस ए आया वन अपॉन साइन ए प्लस वन. मल्टीप्लाई नहीं कट हो गया आपका, क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है आपको, वन अपॉन साइन ए माइनस वन, वन अपॉन साइन ए प्लस वन. वन अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कोसेक, कोसेक ए माइनस वन, कोसेक ए प्लस वन. ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इसमें आइडेंटिटी का यूज नहीं करता, इसमें बिल्कुल बेसिक जो आपके लो है, जैसे साइन की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन कोस है, कोस की क्या होती है वन अपॉन साइन, टेन की साइन अपॉन कोस पर इक्वल होती है वन अपॉन कोट. तो उस बेसिक लो जो आपके रूल है उनका यूज करा गया इसमें, और डिस्ट्रीब्यूट करके कॉमन लिया गया है, और बिल्कुल आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया. तो हमने तीनों क्वेश्चन में देखा आइडेंटिटी कैसे यूज होती है, बेसिक रूल जो है आपके कैसे अप्लाई करना है. तो इसमें और भी क्वेश्चन है काफी, तो बिल्कुल पैटर्न आपको यही रखना है स्टेप बाय स्टेप. तो बाय स्टूडेंट्स.